आज होने वाला है मीशो का साड़ी रिव्यू। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मीशो की साड़ी बड़ी अच्छी निकल रही है उनकी, तो क्यों ना हम भी एक रिव्यू वीडियो कर लें। तो मैंने मीशो से ऑर्डर की साड़ी, एक साड़ी मैं पहले ऑर्डर कर चुकी हूँ, उस पर एक मेकअप लुक भी कर चुकी हूँ, मैंने तीज का मेकअप लुक किया था। एंड यू गाइस वेयर जस्ट मतलब कि साड़ी कहाँ से ली। तो भैया स्टार्ट करते हैं वीडियो, बहुत लंबा इंट्रो नहीं करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो वीडियो पोस्ट होगी इन फ्यूचर नोटिफिकेशन में तो मिलनी चाहिए ना आपको। तो मैंने यहाँ पे दो साड़ी खरीदना करूँगी जो मैंने मीशो से ट्राई की है। एक है सिल्क साड़ी कह सकते हो बनारसी की, एंड जो दूसरी वाली है जो काफ़ी ट्रेंड चल रही है वो है साटिन की साड़ी। तो चलो देखते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट साड़ी, ये साड़ी बहुत ट्रेंड में है, लिटरली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है अभी। साटिन का ये पूरा फैब्रिक साटिन का ही है, एंड पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका शाइन, इसका लस्टर, इसकी फिनिशिंग बहुत सुपर लगी। इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा जस्ट ऐसे ही फैब्रिक है, 5 मीटर का ऐसा ही है ये पूरा। एंड इसमें जो ये बॉर्डर पे लेस की डिटेलिंग दी गई है, जो कि ये भी सैटिन का ही है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा ऐसा ही है। तो पूरी प्लेन, इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, बस ये सैटिन का है। एंड इसका मैं अगर ब्लाउज पे शो कर दूँ तो मुझे ब्लाउज पसंद नहीं आया इसका, पता नहीं यार कैसा फैब्रिक है और ये क्या डिज़ाइनिंग है, मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। मे बी कह रहा हूँ आपको लग रहा हो कि बहुत सुपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एकदम नहीं अच्छा लग रहा मुझे। तो ये भी सैटिन का ही है फैब्रिक, पर मुझे नहीं अच्छा लगा। एंड या ये ब्लाउज पीस के फुल नहीं है, छोटा पड़ जाएगा आपको। अगर आप हेल्दी पर्सन है तो आपको छोटा पड़ जाएगा, अगर आप पतले सुतले से हैं तो फिर ठीक है, आप इसका अच्छा खासा ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं। साड़ी ये है एंड या इसका ब्लाउज ये है, तो आप चाहो तो इस पर अपने हिसाब से गोल्डन कलर का ब्लाउज काफ़ी अच्छे से टीम अप हो सकता है। सो अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो। साड़ी मैं रख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी है। एंड मैं उसको खोल के दिखाऊं कैसे, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, सब ये ऐसा ही है, तो कोई मतलब नहीं आएगा दिखाने का। हाँ मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी ताकि आप उसको परफेक्टली सही से एग्जामिन कर सके, ऑब्जर्व कर सके कि ये साड़ी कैसी लग रही है वेयर करने के बाद। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो नीचे से प्लीट्स में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मुझे इतनी ही साड़ी मिली थी पैकिंग करने के लिए, एक्स्ट्रा नहीं बच रहा था। तो हाइट में साड़ी कम है, लेंथ में भी, लेंथ में ठीक है, प्लीट्स वगैरह अच्छी खासी आ जाएगी, पर हाइट पे कम है। अगर आप हाइटेड है ना तो हल्का फुल्का दिक्कत हो सकता है आपको। तो ये फर्स्ट साड़ी, चलते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। प्राइस का स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्राइस दिस इज वर्थ इट, डेफिनेटली आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। और ये साड़ी बाकी वेबसाइट्स पर काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो भैया मीशो से आप बस खरीद लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। बहुत आजकल चल रही थी मेरे कमेंट बॉक्स में कि इसका रिव्यू कर दो, तो ये वो सिल्क साड़ी देख सकते हो आप कितना रॉयल एंड रिच लुक दे रहा है। ये मैंने बहुत ही पहले ऑर्डर किया था, लेकिन जब मैंने इस पर एक लुक क्रिएट किया था तो भैया कमेंट मुझे बहुत सारे मिल गए थे कि यार इसका रिव्यू कर दो, आपने कहाँ से लिया है। ये मैंने मीशो से लिया था और ये मेरी मम्मा की साड़ी है। तो ये रेड इन कलर में है, पिकॉक की डिटेलिंग है, एंड या ये इसका पल्ला है। मैं वीडियो के साइड में एक पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी ताकि परफेक्ट आइडिया लग जाए आपको। तो ये है इसका पल्ला, साड़ी की लेंथ वेंथ सब कुछ परफेक्ट है। ओके तो मैं ओपन की दिखा देती हूँ, ये कुछ इस टाइप का है। ये मतलब इसका अगर फैब्रिक कहूँ तो ये मिक्स्ड वाला है, सिल्क ब्लेंड जो होता है उस टाइप का है ये। ओके तो ये है इसका पल्लू, पल्लू कुछ नेवी ब्लू सॉर्ट ऑफ कलर में है, एंड बाकी पूरी साड़ी रेड कलर की है। एंड ट्रस्ट मी
इतना रॉयल लुक देता है जब उसको वेयर करते हो। एक ये बहुत लाइट वेट है, मतलब मेनली ऐसा होता है सिल्की साड़ी जब आप वेयर करते हो तो उसकी प्लीट सही से बनती नहीं है, वो पूरी फैलने लग जाती है थोड़ी सी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, ये बहुत ही अमेजिंग लगी मुझे। तो बस अभी तक का मीशो से मेरा सबसे बेस्ट वाला परचेज रहा है, मैं कितना तो कह ही सकती हूँ। तो इसका मैं पिकिंग स्टार्ट कर दूंगी, लोकेशन कर दूंगी, प्राइस में मेंशन हो जाएगा। ब्लाउज पीस की बात करें तो ब्लाउज पीस ऑलरेडी स्टिच्ड है क्योंकि मैंने उसको बहुत पहले बाय किया था, बस आपकी रिक्वेस्ट थी कि इसका एक बार रिव्यू कर दे, इसलिए मैंने उसको अपने हॉल में इंक्लूड किया है। तो ब्लाउज पीस नेवी ब्लू कलर का मुझे रिसीव हुआ था एंड ये बैक से ऐसा कुछ है, इसमें डिजाइनिंग की हुई है, मेरी मम्मा की ब्लाउज है एंड फ्रेंड्स जैसे कि होता है फ्रेंड्स से वैसा ही है। एंड इसमें अच्छा खासा फैब्रिक मुझे मिल गया था, मतलब चाहो तो उसको 3/4 स्लीव्स भी करवा सकते थे या फिर ऐसे भी जैसे आपका मन चाहे वैसे करवा सकते हो। तो फैब्रिक्स में काफ़ी अच्छा खासा मिला था, ये साड़ी की जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी वाली है। तो अब अगर आप हेल्दी भी है ना तो भी इसकी प्लीट्स वगैरह कुछ हिलने वाली नहीं, एकदम परफेक्ट आने वाली है। तो मुझे पर्सनली बहुत ही अमेजिंग लगी स्पेशली ये साड़ी। ये भी बहुत अच्छी लगी एंड ये भी, तो इस बार मीशो शॉपिंग करना काफ़ी वर्थ इट रहा। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। तो अगर तुमसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हो आप तो उसका कोड मैं आपको दे दूँगी, कोड आपको टाइप करना होगा सर्च में मीशो पे एंड सेम प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा, तो फिर आप चेकआउट कर लेना। एंड या प्राइजेस की बात की जाए तो प्राइजेस फ्लक्चुएट होते रहते, तो ये मत कहना कि आप झूठी कुछ और बताइए कि प्राइस यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है, ऐसा नहीं होता है। प्राइजेस ऊपर चढ़ते बढ़ते जो भी है वो होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना। पर हाँ, जितना मैंने प्राइस पे किया है वो आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी एंड कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर अच्छी लगी हो मेरा हॉल रिव्यू जो भी था अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। सो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट वीडियो के लिए एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।